So hey, it's Sam and you're watching It Sam. आज मैं स्क्विड गेम का एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करूंगी, जिसका नाम है द मैन विद द अम्ब्रेला। यू कैन वॉच द प्रीवियस एपिसोड बाय क्लिकिंग ऑन दैट आई बटन। एपिसोड स्टार्ट होता है जहां अपना लास्ट एपिसोड का डिटेक्टिव जुनहू अपने भाई को ढूंढने के लिए स्क्विड गेम के कंटेस्टेंट्स की कार का पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। चेकिंग के वक्त उसे एक स्टाफ मेंबर पकड़ लेता है और वो उस स्टाफ मेंबर को मार के उसकी यूनिफॉर्म पहन लेता है और उसे अपने कपड़े पहना के रिवर में फेंक देता है। इसके बाद सारे कंटेस्टेंट को गेम की यूनिफॉर्म पहनाई जाती है जब वो अनकॉन्शियस हैं, बट अपनी कैंग सी ब्योंग होश में थी और वो अपने पॉकेट नाइफ को चुरा लेती है स्टाफ मेंबर की पॉकेट से। नेक्स्ट डे सियोंग चिल्ड ओल्ड मैन को उठाता है और वो और सांगवू ओल्ड मैन और अली एक साथ टीम अप कर लेते हैं और उन्हीं के जैसे बहुत सारे लोग टीम अप कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। द गैंगस्टर डियोंग सू सी ब्योंग को अप्रोच करता है टीम अप के लिए, अपनी टीम में शामिल करने के लिए, बट वो उसे शर्मिंदा करके और भगा देती है या मना कर देती है कि वो उसके साथ टीम में नहीं रहेगी। और हा मिनियो आ जाती है, जिसने अपने लास्ट एपिसोड में बोला था कि उसका एक छोटा सा बच्चा है जिसका अभी तक उसने नाम तक नहीं रखा। इस एपिसोड में ये बंदी टोटली अपोजिट कैरेक्टर प्ले कर रही है, जहाँ ये मिनियो डियोंगसू को बोलती है कि वो उसकी टीम में आना चाहती है, पर डियोंगसू उसे बहुत ही गंदा कंडीशन देता है इसके लिए। यू नो दैट व्हाट इज इट। फर्स्ट गेम के 201 कंटेस्टेंट्स में से 187 कंटेस्टेंट्स वापस आए थे। इस गेम में इस जगह पे कंटेस्टेंट्स ही नहीं, स्टाफ मेंबर्स पे भी निगरानी रखी जा रही थी। डिटेक्टिव जुनहू पूरा ट्राई करता है कि वो नॉर्मल एक्ट करे। रेड सूट वालों को भी नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता था। प्रिजन की ही तरह यहाँ पे उन्हें ट्रे में खाना मिलता है और वो अपने मास्क को उतार नहीं सकते। ओनली टाइम दे कैन रिमूव इट इज व्हेन दे आर ईटिंग, वो खाना खा रहे हैं तभी वो अपना मास्क उतार सकते हैं। हाँ मिनियो आधी रात को चिल्ला चिल्ला के स्क्रीन क्रिएट करती है, वो बोलती है उसे वॉशरूम जाना है। एट फर्स्ट रेड सूट वाले उसकी बात नहीं मानते, बट देन वो सबको बोलती है कि अगर तुमने गेट नहीं खोला तो मैं यहीं पे कर दूंगी, और फिर वो उसका गेट खोलते हैं। सी ब्योंग भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। मिनियो वहाँ पे अपने प्राइवेट पार्ट से एक सिगरेट का कंटेनर निकालती है और सिगरेट पीने लग जाती है, तभी वहाँ पे सी ब्योंग आ जाती है। सी ब्योंग उसके कंधे पे चढ़ के वेंट पे जाती है, जहाँ पे वो देखना चाहती थी कि इस जगह पे चल क्या रहा है। वो देखती है कि ये लोग बहुत सारी चीनी पिघला रहे हैं। वो जैसे ही वापस आती है, मिनियो उससे पूछती रहती है कि तुमने क्या देखा क्या देखा, और यही वो जो पूछ रही थी सांगवू ने सुन लिया। मिनियो जैसी वो दिख रही है वैसी बिल्कुल नहीं है, ऐसा लग रहा है इस एपिसोड को देख के ये बंदी बहुत ही खतरनाक होने वाली है। नेक्स्ट डे उन लोगों को ब्रेकफास्ट में ब्रेड और मिल्क मिला था, जिसे एक बंदा बहुत ही कॉशियसली खा रहा था, और उसे ब्रेड में एक नोट मिलता है, एक चिट मिलती है जिस नोट में लिखा था ट्रायंगल, अंदर का कोई आदमी इसकी जरूर हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट डे गेम में एंटर होने से पहले सांगवू अपने से ब्योंग से पूछता है कि तुमने क्या देखा। वो उसे बताती है कि मैंने रेड सूट वालों को चीनी पिघलाते हुए देखा था, बहुत सारी चीनी पिघलाते हुए देखा था। सांगवू फिगर आउट कर लेता है कि ये कौन सा गेम होने वाला है, बट वो अपने टीम मेंबर्स को कुछ भी इस बारे में नहीं बताता। ये बंदा यार कितना शाना है यार, साफ पता चल रहा है ये सिर्फ गेम खेलने वाला है। इस गेम में नेक्स्ट गेम में इन लोगों को सर्कल ट्रायंगल स्टार और अम्ब्रेला में से एक शेप चूज करना था। अपना सांगवू पहचान लेता है कि ये कौन सा गेम होने वाला है एंड इसी की वजह से वो ट्रायंगल चूज करता है और वो बाकी लोगों को इंसिस्ट करता है कि हम सबको अलग अलग शेप्स चूज करने चाहिए। हो सकता है ये कोई सा भी गेम हो, वो नहीं बताता है किसी को भी कि ये कौन सा गेम होने वाला है। अपना मेन कैरेक्टर सियोंग सबसे हार्ड अम्ब्रेला चूज करता है। इस टाइम तक इन लोगों को गेम के बारे में पता नहीं था, इस टाइम तक सांगवू के अलावा किसी को गेम के बारे में पता नहीं था। पता चलते ही बाकी सबके होश उड़ जाते हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं। इस गेम में इन लोगों को शेप निकालना था, उस फ्रोजन शुगर में से उन लोगों को शेप बाहर निकालना था, जो भी शेप उन लोगों ने चूज किया है। सब लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो शेप को बाहर निकाल पाए। ट्रायंगल वाले ज्यादातर लोग जल्दी जल्दी करके निकल जाते हैं इस गेम को कम्प्लीट करके। जिन लोगों से गलती से भी ये शेप टूट जाता है उन लोगों को डायरेक्ट हेडशॉट मिलता है। सियोंग टेंशन में उस शेप को निकालने की कोशिश कर रहा है, तभी उसे एक आइडिया आता है, वो उसे लिख करके भी निकाल सकता है।
वो उसे जितना पीछे से लिक करेगा वो शेप उतना आगे प्रोमिनेंट होता जाएगा। और वो स्टार्ट करता है लिकिंग, कॉज दिस वॉज ओनली शुगर, ये सिर्फ चीनी थी। टाइम कम बचा है और सियोंग को देख के बाकी लोग भी लिक करने लग जाते हैं उस शेप को। एक बंदा डर के एक स्क्वायर शेप वाले बंदे पे हमला कर देता है, उसकी गन छीन के और उसे गन पॉइंट पे रखता है और उसे उसका मास्क उतारने के लिए बोलता है। वो अपना मास्क उतारता है और जैसे ही वो मास्क उतारता है बाकी गार्ड्स बचे हुए कंटेस्टेंट्स को गोली मार देते हैं। ये आदमी खुद को गोली मार लेता है इन सब के सामने और इन सब का सीनियर द फ्रंट मैन आके इस मास्क उतारने वाले बंदे को मार देता है। मार काट यही चल रहा है इस सीरीज में। जिस स्क्वायर शेप वाले बंदे को फ्रंट मैन ने मारा उसने जुनहू को रिपोर्ट करने के लिए बोला था क्योंकि वो अपनी जगह पे नहीं था जहाँ पे उसकी ड्यूटी थी। जुनहू उसका मास्क पकड़े हुए खड़ा है और यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। ये था अपने एपिसोड का लास्ट सीन, देखते हैं आगे क्या होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर कमेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।